दोस्तों पिछले काफी दिनों से आप सभी की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर शेयर मार्केट के बारे में कुछ ज्यादा विस्तार से बताइए। शेयर मार्केट से पैसा कमाना जितना मुश्किल दिखता है उतना ही आसान है। जहां आम लोग अपने पसीने की कमाई लगाते हैं, वहां हम फौजी लोग अपने खून पसीने की कमाई इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस चीज को आपने हमेशा याद रखना है। इसलिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है अपने कैपिटल अमाउंट की सेफ्टी। तो ऐसा क्या तरीका है जिसमें हमारे पास सेफ्टी भी पूरी रहे और हम शेयर मार्केट से ज्यादा मुनाफा भी कमा पाए? तो आज मैं आपको शेयर मार्केट के 4 ऐसे गोल्डन रूल्स बताऊंगा जिससे आप नुकसान से तो बचोगे ही और मुनाफा भी जरूर कमाओगे। हमारे काफी फौजी भाई शेयर मार्केट से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। अगर आपने अभी तक शुरू नहीं किया है तो डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से अपना पहला इन्वेस्टमेंट शुरू कीजिए। तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर अगर पैसा कमाना है तो सबसे पहला रूल है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक रहिए। एक अच्छे शेयर को चुनने के लिए काफी टेक्निकल एनालिसिस चाहिए, फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए और यह सब करने के लिए हमारे पास ना तो वक्त होता है और ना हमें इतनी जल्दी समझ आता है। तो इसका एक आसान और अच्छा तरीका यह है कि आप सिर्फ निफ्टी 50 के शेयर्स में इन्वेस्ट कीजिए। निफ्टी 50 के अंदर इंडिया की टॉप मोस्ट 50 कंपनीज होती है और निफ्टी 50 के अंदर लिस्ट होने के लिए उनको काफी सारे पैरामीटर से गुजरना पड़ता है। तो यहां पर अच्छे शेयर को चुनने के लिए आपकी जो मेहनत लगने वाली थी वो 50% यहीं पर कम हो जाती है। 50 शेयरों में भी निफ्टी 50 के 50 शेयरों में भी आपने सभी 50 शेयरों में पैसा नहीं लगाना है, बल्कि उसमें से भी आप अपनी पसंद के 10 शेयर को लिस्ट आउट कीजिए जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है और जिस शेयर के ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं। अगर शेयर मार्केट में आपने अपने भरोसे के शेयर खरीदे हैं और उस कंपनी के बारे में आपको नॉलेज है तो शेयर मार्केट से पैसा बनाना आपके लिए बहुत आसान होता है। मैं आपको एक लिस्ट स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं जो कि इंडिया के मल्टी बैगेज शेयर्स है। ये पिछले 10 सालों में हजारों गुना बढ़ चुके हैं, मतलब कि अगर आपने 10 साल पहले इसमें 1 रुपया लगाया होता तो आज वो हजारों से ज्यादा बन जाता। 1 लाख रुपया लगाया होता तो आपका कम से कम 10 करोड़ रुपया बन गया होता। दूसरा नियम, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपना एक्स्ट्रा पैसा शेयर मार्केट में लगाइए और एक अमाउंट फिक्स कीजिए कि मुझे इतना पैसा ही शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है या फिर मैं हर महीने इतना पैसा इन्वेस्ट कर सकता हूं, 5,000, 10,000, 7,000 जितनी भी आपकी कैपेसिटी है। हमारे काफी फौजी भाई जो रिटायर्ड हो चुके हैं, जो पेंशन आ चुके हैं, वो किसी के कहने पर अंधाधुंध लाखों रुपया शेयर मार्केट में लगा देते हैं और नॉलेज ना होने की वजह से घाटा होने का संभावना बढ़ जाता है। इसलिए हमने क्या करना चाहिए कि सेफ्टी को प्रायोरिटी देनी चाहिए। अपने जो मूल रकम है, अपनी जो कैपिटल अमाउंट है, उसको आप ऐसी सिक्योर जगह पर इन्वेस्ट कीजिए, बैंक में, पॉलिसीज में, पोस्ट ऑफिस में, और उससे जो रिटर्न, ब्याज या इनकम आपको मिलती है उन अमाउंट को आप शेयर मार्केट में डालिए ताकि आप ज़्यादा रिस्क उठाकर ज़्यादा पैसा कमा पाए। अगर आप ऑन सर्विस हैं तो आप फिक्स कीजिए कि मैं अपनी महीने की सैलरी का 15%, 20% या 10% पैसा हर महीने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। एक परफेक्ट अमाउंट के साथ चलने से आपको फायदा यह होगा कि शेयर मार्केट अगर थोड़ा बहुत ऊपर भी जाता है, आपके इन्वेस्ट किए हुए शेयर्स में थोड़ा बहुत नुकसान भी आता है, तब भी आप उसको झेल सकते हो, तो आप शेयर मार्केट में लंबे समय तक बने रहने की कैपेसिटी हासिल कर लोगे। तीसरा नियम जो शेयर मार्केट की दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है पेशेंस। आपके पास धीरज होनी चाहिए। शेयर मार्केट में आप जब भी पैसा लगाते हो तो शेयर मार्केट का स्वभाव है, शेयर मार्केट का नेचर है कि वो अप डाउन होगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन आखिर में अगर आप सहन शक्ति रखते हो, धीरज रखते हो और थोड़ा सा समय देते हो तो आपको 100% बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। एक चार्ट में आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं, मार्केट का सेंसेक्स का चार्ट है और ये पिछले 5 साल का चार्ट है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि पहले शेयर मार्केट डाउन था, उसके बाद अप डाउन होते होते यहां पर देखिए बहुत ज्यादा डाउन हुआ है और ये टाइम है 2020 का, यानी कि कोरोना काल का। इतना ज्यादा मार्केट डाउन होने के बाद भी आज मार्केट ऊपर चढ़ते चढ़ते यहां तक पहुंच गया है। अगर आप सोचते हैं कि मैंने यहां से इन्वेस्टमेंट शुरू किया था और यहां से सीधी लाइन, लंबी लाइन खींचते हैं, तो आपको पता चलेगा कि आखिर में आप प्रॉफिट में बैठे हुए हो। एक उदाहरण के जरिए आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप कहीं सफर में जा रहे हैं और एक आप अच्छी कंडीशन वाली 4-व्हीलर में बैठे हैं तो रास्ते में गड्ढे तो जरूर आएंगे, लेकिन आखिर में वो गाड़ी आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा देगी क्योंकि उसकी कंडीशन पर आपको भरोसा था। शेयर मार्केट में भी ऐसा ही है। अगर आपने स्टॉक स्पेसिफिक रहे हैं
और आपने उन स्टॉक पर भरोसा किया है, अपने नॉलेज से उस स्टॉक को खरीदा है और आपने एक्स्ट्रा पैसा लगाया है, तो आप लंबे समय तक उस स्टॉक में बने रहेंगे, आपको घाटा होने की कोई चिंता नहीं रहेगी और लंबे समय के बाद में आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। चौथा और आखिरी नियम, शेयर मार्केट में लालच से बचे रहिए। शेयर मार्केट एक बहुत बड़ा समंदर है। आप अगर ये सोचकर शेयर मार्केट में आ रहे हो कि मैं रातों रात शेयर मार्केट में अमीर बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, तो ये आपकी गलत थिंकिंग है। शेयर मार्केट में कई तरह की अफवाहें चलती रहती है, कई तरह के फेक न्यूज चलते रहते हैं। इस न्यूज के भरोसे और इन अफवाहों के जरिए आप अपना इन्वेस्टमेंट बार बार चेंज करते रहेंगे और लालच में फंसते रहेंगे, तो आपको नुकसान होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि इन अफवाहों के चक्कर में आके आप ऐसे शेयर्स खरीद लेते हैं, ऐसे स्टॉक खरीद लेते हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। शेयर मार्केट में हम सबसे ज्यादा तभी कमा सकते हैं जब हमारे इन्वेस्टमेंट पर कंपाउंडिंग शुरू हो जाए, यानी कि चक्रवृद्धि इनकम शुरू हो जाए। चक्रवृद्धि इनकम कैसे काम करता है, मैं आपको एक चार्ट के माध्यम से दिखाता हूं। इस चार्ट को देखिए, मान लीजिए कि आपने अभी 2021 से अपना इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है और धीरे 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 आप आगे बढ़ रहे हो, तो तकरीबन 2030 तक आपने छोटा सा अर्निंग किया है, तकरीबन 20 लाख रुपए का। लेकिन उसके बाद में जब आपके कैपिटल अमाउंट पर कंपाउंडिंग का जादू शुरू हो गया है, तो ये आपकी इनकम बहुत ही कम समय में डबल होती जा रही है। देखिए, यहाँ पर 2036 तक आप 1 करोड़ रुपए तक पहुंच जाते हैं और 2039 तक 1 करोड़ से भी आगे बढ़ जाते हैं। यानी कि शेयर मार्केट की सही इनकम तब मिलती है जब आप उसके कंपाउंडिंग का फायदा उठा सके, और कंपाउंडिंग का फायदा आपको तब मिलेगा जब आप अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा ज्यादा लंबा समय देंगे। और इस समय को देने के लिए पिछले 3 नियम आपने फॉलो करना जरूरी है। सबसे पहला, स्टॉक पैसिफिक रहिए, अपने एक्स्ट्रा अमाउंट या अपने निश्चित अमाउंट को शेयर मार्केट में लाइए। और तीसरा कि आप धीरज रखिए। इन 3 चीजों को आप फॉलो कर रहे हैं तो आप समय भी दे पाएंगे, क्योंकि आपको अपने स्टॉक के ऊपर भरोसा भी है और आपके पास एक्स्ट्रा अमाउंट भी है, तो लंबे समय में आगे जाके आपको कंपाउंडिंग का फायदा जरूर मिलेगा और यही एक ऐसी स्पीड होगी जो आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगी। तो दोस्तों, अगर इन 4 रूल्स को आप फॉलो करते हैं तो शेयर मार्केट से बहुत आसानी से पैसा कमाया जाता है। इन्वेस्टमेंट अगर आपने स्टार्ट नहीं की है तो जल्दी से डीमैट अकाउंट खुला के इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेयर मार्केट के बारे में कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप हमसे पूछिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी हंसते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।